विल स्टडी अबाउट योर एक्वापोरिन्स, ठीक है। एक्वापोरिन्स बेसिकली इसका ट्रांसपोर्ट कराते हैं आपका वाटर का, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट दे डू, सो दे फॉर्म हाइड्रोफिलिक, जो एक्वापोरिन्स होते हैं फॉर्म हाइड्रोफिलिक ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल, हाइड्रोफिलिक ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल फॉर पैसेज ऑफ वाटर, ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल फॉर पैसेज ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर भी आपका पॉलर मॉलिक्यूल है, तो एक्वापोरिन्स एक तरह से एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका वाटर की पैसेज हो सके, फॉर पैसेज ऑफ वाटर। जैसे हम जस्ट एग्जांपल हैं जैसे आरबीसीज का, ठीक है। जो आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज विच स्वेल और श्रिंक, विच स्वेल और श्रिंक रैपिडली रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू abrupt changes, in response to abrupt changes in extracellular osmolarity, in extracellular osmolarity, ठीक है ना। ऑब्वियसली अगर बाहर की conditions कैसी हैं, वो hypotonic है, hypertonic है, accordingly फिर RBC जो है वो स्वेल और श्रिंक करते हैं, ठीक है। चेंजेस इन एक्स्ट्रा सेलुलर ऑस्मोलैरिटी एज ब्लड ट्रेवल्स थ्रू रीनल मेडुला, एज ब्लड ट्रेवल्स थ्रू रीनल मेडुला आपका जो एक आरबीसी है, अगर हम सिर्फ एक आरबीसी की बात करें, एक आरबीसी के अंदर 2×10^5 कॉपीज ऑफ एक्वापोरिन 1 होती हैं, ठीक है। जैसे एक्वापोरिन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो एक आरबीसी के अंदर 2×10^5 कॉपीज ऑफ एक्वापोरिन 1 होती है, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें जो हमारा नेफ्रोन है, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा नेफ्रोन होता है, जिसके अंदर जैसे आपका बोमेन कैप्सूल होता है, वी हैव पीसीटी, ठीक है, लूप ऑफ हेनले होता है, ठीक है, दिस इज आर लूप ऑफ हेनले। ऐसे ही डीसीटी होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वी हैव कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग एक्वापोरिन होते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट जगह पर वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम वैसे बात करें कि जो एक नेफ्रोन है उसमें 7 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन्स होते हैं, ठीक है। सो 7 different aquaporins play a role in urine production, 7 different aquaporins play a role in urine production, play role in urine production, 7 different aquaporins play a role in urine production। लेकिन इसमें जैसे हम एक जो कहते हैं वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन बेसिकली तब बनता है जब बॉडी के अंदर बेसिकली एक तरह से वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। बेसिकली कब बनता है, जब बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका एक्वापोरिन 2 रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। जो एक्वापोरिन 2 है, विच इज इन एपिथीलियल सेल्स, इन एपिथीलियल सेल्स of renal collecting duct, in epithelial cells of renal collecting duct is regulated by vasopressin, comma more water is reabsorbed in the kidney
when vasopressin level is high. More water is reabsorbed in the kidney when vasopressin level is high. ठीक है, जब वैसोप्रेसिन का लेवल हाई होता है. ठीक है ना, बेसिकली वैसोप्रेसिन बॉडी में तभी या ब्लड में तभी रिलीज होता है जब बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है. ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि कौन सा एक्वापोरिन होता है जो वैसोप्रेसिन के लेवल के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है. सो योर आंसर विल बी एक्वापोरिन 2. ठीक है, वैसे तो अलग अलग एक्वापोरिन हैं क्योंकि उनका रोल होता है, क्योंकि जनरली बेसिकली इसमें जैसे हम एक पढ़ते हैं हमारे अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो मतलब फिल्ट्रेशन रेट होता है या जो हमारे अंदर फिल्ट्रेट बनता है वो बनता है 180 लीटर पर डे. ठीक है, लेकिन यूरिन जो होता है वो आता है 1 टू 1.5 लीटर. तो मैक्सिमम जो भी फिल्ट्रेट बनता है, जो किडनीज के पास फिल्ट्रेट आता है, उसमें से मैक्सिमम रीअब्सॉर्ब हो जाता है. तो ऑब्वियसली इसमें वाटर है या आयंस है, तो उस रीअब्सॉर्प्शन में किसका रोल होता है? आपका एक्वापोरिन्स का. ठीक है, अब इसमें जैसे एक अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट एक्वापोरिन 1, ठीक है, अगर हम किसकी बात करें एक्वापोरिन 1 की, तो जो एक्वापोरिन 1 है, ठीक है, इसके अंदर 4 आइडेंटिकल मोनोमर्स होते हैं. ठीक है, 4 आइडेंटिकल मोनोमर्स, 4 आइडेंटिकल मोनोमर्स. ठीक है, और बेसिकली हर एक मोनोमर की बात करें, ठीक है, ईच मोनोमर हैज ए 6 ट्रांसमेम्ब्रेन, हैज ए 6 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्सिस और 6 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकल सेगमेंट्स एंड 2 शॉर्टर हेलिक्सिस and 2 shorter helixes, both of which contain the sequence, comma, both of which contain the sequence NPA. ठीक है, so this is also important. ये भी exam में कई जगह question आता है. ठीक है, इनमें कौन सा sequence होता है आपका, both of which contain the sequence NPA. ठीक है, N stand for asparagine, P stand for proline, A stand for alanine. ठीक है, तो ये भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जो एक्वापोरिन होता है उसके अंदर बेसिकली आपका कौन सा ट्राइपेप्टाइड होता है. ठीक है, सो N stands for asparagine, P stand for proline and A stand for alanine. ठीक है, वैसे तो हम क्या कहते हैं कि जो एक्वापोरिन्स हैं they are highly specific for water. ठीक है, मतलब एक्वापोरिन्स वैसे तो वाटर के लिए हम लिखते हैं, बट ऐसा नहीं है. कुछ एक्वापोरिन्स होते हैं वो ग्लिसरॉल, ठीक है, यूरिया और अमोनिया का भी ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं. ठीक है, तो वैसे तो जनरली दे आर स्पेसिफिक फॉर वाटर, बट ऐसा नहीं है कि एक्वापोरिन सिर्फ वाटर का ही ट्रांसपोर्ट कराते हैं, वो ग्लिसरॉल, यूरिया और अमोनिया का भी ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं. जैसे एक स्पेसिफिक एक्वापोरिन होता है जिसका नाम होता है एक्वापोरिन 7 which is found in plasma membrane of adipocytes, found in plasma membrane of adipocytes, comma, transports glycerol effectively, comma, transport glycerol effectively, glycerol effectively. तो ऐसा नहीं है कि जो एक्वापोरिन्स हैं वो सिर्फ वाटर का ही ट्रांसपोर्ट कराते हैं, बट ये भी आपने ध्यान रखना है कि एक्वापोरिन्स जो हैं वो ग्लिसरॉल, यूरिया और अमोनिया का भी ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं.